फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का डोसा, जो बहुत यूनिक है और बहुत जल्दी से फटाफट से बन जाता है। उसके साथ साथ मैंने बनाई है ये पीनट की चटनी, यानी कि मूंगफली की चटनी। और ये डोसा इतना क्रिस्पी बनता है, इतना टेस्टी बनता है, और इस पीनट की चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब भी है। तो बहुत ही आसानी से बिना फर्मेंट करे और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं, लौकी डोसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, इससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो कोई भी चावल आप ले लीजिए जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं, और उनको आप 1 घंटे के लिए बस भिगो के रख दीजिए। और जो एक्सेस वाटर होगा वो मैंने निकाल दिया है। और ये चावल, ये देखिए थोड़े थोड़े से ये फूल गए हैं, यानी कि भीगे हुए से हो गए हैं। तो अब हमारे पास है ये लौकी, क्योंकि हम लौकी का डोसा बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लौकी ले ली है, और जितना हमने चावल लिया है उसकी आधी हमने लेनी है लौकी को, तो इतना लौकी काफ़ी रहेगा इसमें। तो बस इसको अब हम छील लेते हैं अच्छे से, आप इसको पील कर लीजिए, ये इतना आएगा। और अब मैं साइड कर देती हूँ, और ये है हमारे पास लौकी, और इसको अब हम काट लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे बीज का पोर्शन हम नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल जो लौकी आ बीज का पोर्शन ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, तो हम बीज का पोर्शन नहीं ले रहे हैं। और इसको मैं सब्जी बनाने के लिए रख सकती हूँ, और बाकी की लौकी को हम काट लेते हैं इस तरीके से। तो पहले आप इसे बारीक बारीक काट लीजिए, और ये हो गई हमारी लौकी तैयार। तो आपको प्रोपोर्शन देखना है, लौकी जैसे ये 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा है, और चावल जो हैं उसके दुगने हैं, तो ये प्रोपोर्शन है। अब एक ब्लेंडर में हम लौकी डाल लेते हैं इसमें, इसके साथ साथ ही जो हमारे पास चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं वो भी डाल देते हैं, और बहुत ही कम पानी में आप इसे पीस लीजिए। तो पीस जब लेंगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बैटर बन जाएगा, और ये देख रहे हैं कितना स्मूथ बैटर है। तो करीबन 3 से 4 बार मैंने इसको चलाया है, और इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। तो बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, और ये इतना वाइट है, दूधी, शायद इसीलिए इसको दूधी बोलते हैं कि इसका कलर एकदम से दूध जैसा हो गया। और ये देखिए, कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें लौकी भी डाली है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरीके की होनी चाहिए। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, या स्वादानुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इसमें कड़ी पत्ता डाला है, तो कड़ी पत्ता को धो के अच्छे से आप बारीक बारीक काट लीजिए, करीबन 7 से 8 कड़ी पत्ता। और यहाँ मैंने ली है प्याज, तो मैं 2 बड़े चम्मच प्याज डाल रही हूँ कटी हुई, या यूँ कह लीजिए कि आधा, जो मीडियम साइज़ की प्याज होती है वो आधी मैंने इसमें डाली है। और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी। तो इसकी कंसिस्टेंसी ना आपको इस तरीके से करनी है कि ये देखिए इस तरीके की, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कंसिस्टेंसी में आपको इस तरीके का बैटर चाहिए, तो इतना ही पानी मिलाइए, 1/2 कप से भी कम मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसको हम रख देते हैं, तब तक हम बनाते हैं चटनी, मूँगफली की चटनी। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 बड़े चम्मच मूँगफली के दाने, और इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, लगभग 2 मिनट लगेगा इसको रोस्ट होने में। और इसके बाद ये छिलका देखिए कितने आसानी से निकल जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत आसानी से छिलके निकल जाएंगे इसके। तो आपको सारी मूंगफली के इसी तरीके से छिलके निकाल लेने हैं। और अब उसी पैन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तिल का, सफ़ेद तिल मैंने यहाँ यूज़ करे हैं, और इसको भी मैं जब तक पॉपअप नहीं हो जाता है तब तक भून लूँगी, यानी कि 1 मिनट लगेगा इसको भूनने में, और ये बहुत अच्छे से भून भी जाएंगे। बस ध्यान रखेंगे इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब ये अच्छे से भून जाएंगे, ये देखिए, अब मैं इसको अलग कर लेती हूँ। अब मैं डालती हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल का, इस तरीके से। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच चने की दाल, और 1 चम्मच ही उड़द की दाल,
मतलब सब चीज़ें बराबर बराबर, बस मूंगफली 2 चम्मच। और इसको चला लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं, अच्छे से ड्राई अच्छे से रोस्ट हो जानी चाहिए, ड्राई रोस्ट तो नहीं। और ये मूंगफली भी तैयार हो गई, तो अब मैं इसको इसे चटनी वाले जार में डाल देती हूँ जिसमें आप चटनी पीसते हैं, उसमें डाल देते हैं सारा इस तरीके से। और ये जो हमने मूंगफली करके रखी हुई थी वो भी डाल देते हैं, और जो तिल है वो भी मिला देते हैं। तो सब चीज़ें मिल गई, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देते हैं और इसको मैं पीस लूँगी थोड़ा पानी मिला के, आधा कप पानी से मैंने इसको पीस लिया है। और ये हो गई तैयार, अब बनाते हैं इसका तड़का। तो तड़के के लिए 1 छोटा चम्मच मैंने ऑयल में ये कड़ी पत्ते और लाल मिर्ची इसमें चटका लेते हैं, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर राई भी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से चटकने देते हैं। और ये देखिए हमारा तड़का हो गया बिल्कुल रेडी, बिल्कुल सिंपल सा तड़का है, बहुत ज़्यादा झाड़ नहीं है। और ये तड़का मैं इस चटनी के ऊपर लगा देती हूँ। तो लीजिए हमारी चटनी हो गई बिल्कुल तैयार, बढ़िया सी मज़ेदार सी। अब बनाते हैं डोसा, क्योंकि डोसा का बैटर बहुत देर हो चुकी है। तवा गरम करते हैं और जैसे हम ऑयल लगाते हैं थोड़ा सा, वो लगा दिया है हमने, बहुत थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें लगा दिया है। इसके बाद किसी भी गीले कपड़े से आप इसको पोंछ लीजिए। अब ये तवा बिल्कुल रेडी हो गया है बढ़िया से क्रिस्पी से डोसा बनाने के लिए। तो अब मीडियम हीट पे मैं यहाँ पे इस तरीके से तवे पे डाल देती हूँ। तो तवा इतना गर्म था कि डालते के साथ ही ना ये एकदम फटाफटा सा, जैसे देख रहे हैं जो डोसा है हो गया है। तो जब ये हल्का हल्का सा पकने लगेगा यहाँ पे ज़रा सा आप ऑयल डाल सकते हैं, और चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं या देसी घी भी डाल सकते हैं। तो जब ये हल्का हल्का सा इस तरीके से पकना शुरू होगा तो आपको इसे ढक देना है लगभग 1 मिनट के लिए, और इसको पकने देना है जब तक ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन जैसा ना आ जाए टेक्सचर। अब इसको धीरे धीरे हाथों से इस तरीके से आप निकाल लीजिए, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है और सुपर क्रिस्पी भी होता है, बहुत अच्छे से जाली जाली आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छे से निकल आई है ये। तो इसको हम पलट के भी अच्छे से पका लेते हैं इस तरीके से। तो देखा आपने कितनी आसानी से बन गया ये, एकदम रेडी हो गया। अब इसको पलट के ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी पक गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखा आपने ये बिल्कुल रेडी हो गया एकदम से हमारा लौकी का डोसा, जो बहुत आसानी से बनके तैयार हो गया। हमें बैटर को फर्मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और एकदम क्रिस्पी। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरा डोसा भी तैयार कर लिया है, और ये देखिए पलटते अलटते आप चाहें तो इसमें और भी ऑयल लगा सकते हैं, मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया है और इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनाने की कोशिश करी है। तो इसके साइड्स को आप इस तरीके से दबाते जाएँ और इसको सेकते जाएँ। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको दबाऊंगी ये देखिए ये इसकी चिपकन ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाएगा। तो ये एक तरफ से पक गया अच्छे से, अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो बिना फर्मेंट करे, बिना सोडा के और बिना किसी चीज़ के ये इतना टेस्टी सा बिल्कुल करारा करारा सा डोसा हो गया हमारा बन के तैयार। तो ये रही हमारी मूंगफली की चटनी, जो बहुत ज़्यादा क्रीमी लगती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है और हेल्दी तो ये है ही। और साथ में ये हैं हमारे हेल्दी हेल्दी से 2 डोसे जो बने हैं लौकी से, और कोई बता भी नहीं पाएगा कि उसने लौकी ऐसे ही खा ली है। तो फ्रेंड्स ये है बहुत ज़्यादा हेल्दी, इसमें कोई भी फ्लावर हमने यूज़ नहीं किया है, चावल से बने ये डोसे बहुत ही ज़्यादा सुपर करारे क्रिस्पी हैं और इंस्टेंटली आप कभी भी बना के खा सकते हैं, जब भी मन हो तभी बनाइए, इतना टेस्टी। और ये चटनी ना सीरियसली इतनी टेस्टी लगती है, जैसे जैसे आपको बताइए बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए और आनंद लीजिए। तो रेसिपी पसंद आए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।